अलका साने वाल के गांव ढंडारी खुर्द के लोग आजकल नर्क जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहां के सीवरेज की समस्या का कोई नेता भी हल नहीं कर पा रहा। और हद तो तब हो गई जब ये सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके कारण वहां के निवासी मलेरिया जैसी भयानक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने अपनी समस्या कई बार अपने इलाके के MLA और पार्षद को बताई, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं हो पा रहा है। आप भी देखें यह खास रिपोर्ट। रसोई दिखाई बरांडे चाली बाल्टियां पानी दिया बाहर कड़िया ने चाह पीण तो पहला उठदी ने। कौंसल तो साढ़े पिंड मुंडा अपने टोना और की पता पुत करा कि नहीं करा सीवरेज नहीं कहती पहला नहीं से इन्ना गंद जिन्ना हूँ पे हूँ तो हद तो बदे ही पै गया। भाई जी मेरा नाम है लखवीर सिंह खालसा, मैं ढंडारी पिंड वार्ड नंबर 28 तो असी इतने कल एक वीडियो शेयर की थी क्यों इतने MLA आए दिखाने लग गए कि साढ़े किन्ना गंद है। ये अज तो नहीं है, 25 साल हो गए ने साढ़े इतने अकाली दल BJP का ही कौंसलर बने आ रहा। यह सारी देन इन्हों की ही है, पहला गलिया च सी पानी, अज देख रहे हो तुम घर के अंदर जा चुका। ये एक घर नहीं जी, साढ़े एरिए मोस्टली सारे घर का यही हाल आ। लोगों ने मिट्टी पा पा के बाहर उच्चे हो चुके, घर नीवे हो चुके, गंदा पानी सीवरेज का मुश्क मारता। लोग कहते हैं ना साढ़े घर बड़े साफ ने, साढ़े आगे देखो किन्ना गंद आ। हुण असी अज पहली बार आके कह लगे हाँ क्यों, असी थक चुके इन्हां चीज़ों तों। असी मजबूरी जाके तुहाडे कोल इह गल कीती कि तुसीं वोटां लैण लई सिर्फ यूज़ करदे हो कि जी पानी खड़ा पानी। तुसीं इन्ना चिर मंत्री रहे ने, MLA रहे आ, हुण भी ने, ते तुसीं क्यों नहीं करवाउंदे हैगे? ज साढ़े शरणजीत सिंह ढिल्लों मानजोग ते साढ़े इत्थे कौंसलर पिछली बार रहे, इन्हां दा तां सीधा ही काम आ, 5 साल मेरी बारी, 5 साल तेरी बारी, कदे BJP कदे अकाली। ते पर सानूं इह कोई मतलब नहीं हैगा ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਗਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗੇ। ਆ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਖਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।